बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज की श्री मोहम्मत कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद को करो याद प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर साध्य कल की चर्चा में हमने सुना था कि किस तरह से चौदह वर्ष तक निरंतर बिना किसी एक दिन के लिए भी अंतराल किए बिना निष्ठाबद्ध रूप से भागवत सुनने के पश्चात पहले श्री देवचंद्र जी की परीक्षा हुई और उस परीक्षा के पश्चात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी राज जी ने उन्हें दर्शन दिया दर्शन दे करके किस तरह से बातें हुई और कैसे उनके हृदय धाम में विराजमान होने के पश्चात अब सबसे पहले गांगजी भाई जी की जागनी हुई और उनके माध्यम से एक एक करके नौतनपुरी में सुंदर साथ जुड़ने लगे इसके विषय में हमने कल सुना था अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महामती श्री लालदास जी ने इसके बाद तीन और प्रकरणों का वर्णन किया है उन तीन प्रकरण में संक्षिप्त जीवन वृत्तांत और वहाँ पर शामिल होने वाले सुंदर साथ के नाम बताए हैं चूंकि संक्षिप्त जीवन वृत्तांत अभी हमें पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आठ तारीख से तो हम वही जीवन वृत्तांत सुनते ही आ रहे हैं इसलिए मैं प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ चूंकि नाम भी आगे बहुत सारे आने वाले हैं और किस किसने तारतम ज्ञान ग्रहण किया सबका नाम भी चर्चा में कहना मुझे आवश्यक नहीं लग रहा पर कुछ मुख्य सुंदर साथ के मैं नाम ले रहा हूं सबसे पहले श्री लालदास जी कह रहे हैं पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म इस निज आनंद के मार्ग में शाश्वत सुख शाश्वत शांति और आनंद के मार्ग में जिसको हम निजानंद कहते हैं इसमें सबसे पहले गांगजी भाई जी ने कदम रखा अर्थात उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया और श्रीदेव चंद्र जी की उन्होंने सेवा की अपनी आत्मा को उनके चरणों में सौंप दिया यह पहचान करके कि यही मेरे धाम धनी है यही मेरे सदगुरु हैं अब उनके परिवार का भी इसमें वर्णन किया गया है गांगजी भाई जी के परिवार का गांगजी भाई जी की माता जी का नाम है गंगाबाई गंगाबाई जी ने भी समर्पित होकर के सेवा की जिसके फल स्वरूप श्री चंद्र जी ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया उनकी पत्नी का नाम था भानबाई। गांगजी भाई की पत्नी का नाम भानबाई रहते तो एक ही घर में पर वो पूछ पूछ के सेवा करते हैं भाव नहीं है पर पूछ करके कि क्या आपको ये चाहिए मैं आपको ऐसा दे दूं ये सेवा कर दूं जबकि जहां पूर्ण पहचान होती है वहां पूछ करके नहीं की जाती है वहां समझ करके की जाती है और अनमने ढंग से वह सेवा करती थी गांगजी भाई जी को लगा कि ये तो सेवा की जो भावना है वह व्यर्थ हो जाएगी इसलिए एक बार वो मायके गई और उसके बाद गांगजी भाई कभी उनको लेने नहीं गए उनके मन में था कि अगर वो आ जाएंगी तो किसी न किसी रूप में मेरी सेवा का जो भाव है मेरे सेवा का जो व्रत है वह टूट जाएगा गांगजी भाई जी के बेटे का नाम श्याम जी है जिनके अंदर किसी भी तरह ईमान नाम मात्र को भी नहीं है विश्वासी नहीं है न सेवा भावना है जबरदस्ती बैठा करके चर्चा तो सुनाया जाता है पर इसका कोई भी असर नहीं होता है और उनका विवाह हुआ था अजबाई जी के साथ में श्याम जी का विवाह हुआ था अजबाई जी के साथ में गांगजी भाई जी के दूसरे पुत्र का नाम है मानजी जो पिताजी का भाव रखने के लिए ही सही पर सेवा किया करते थे और गांगजी भाई जी के जो भाई हैं एक खेता भाई जो विदेश में है इधर उनकी जो पत्नी है उनका नाम है हीर भाई और उनके बेटे का नाम है धनजी और गांगजी भाई की बहन का नाम बालबाई है इस तरह से ये गांगजी भाई जी के परिवार के कुछ नजदीकी सदस्य हैं जिनका वर्णन आगे कुछ समय तक आता रहेगा क्योंकि श्याम जी का भी नाम आता है अजबाई जी का भी नाम आगे प्रसंग में आता है क्योंकि अजबाई ही वह माध्यम बनती हैं जिनके द्वारा मिहिर राज जी के घर तक देवचंद्र जी के द्वारा गांगजी भाई जी के घर में होने वाली आड़ी का लीलाओं की खबर पहुंचती है तो इस तरह से ये सब सुंदर साथ हैं कुल 313 सौ ब्रह्मात्माओं की जागनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा हुई थी पर वह जागनी ज्ञान दृष्टि से नहीं आड़ी का लीला को देखकर चमत्कारी लीला को देख कर के बस इतना मान लिया कि राज जी इनके अंदर हैं लेकिन तारतम के न होने के कारण जो आड़ी का लीला से जागनी हुई थी अब क्योंकि चमत्कार का कोई ना कोई आधार होता है किसी तन को आधार बनाया गया है जैसे ही वह तन ओझल हो जाता है तो लोगों को लगता है कि जो राज्य ये सब करा रहे थे वो तो चले गए क्योंकि ज्ञान दृष्टि से पहचान नहीं थी पर उन सुंदर साथ को श्री देवचंद्र जी कैसे चर्चा सुनाते थे उनका वर्णन करते हुए श्री लालदास जी कह रहे हैं समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत न रहे वे तब जब श्री देवचंद्र जी चर्चा करते हैं वहाँ बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है क्योंकि देवचंद्र जी जोश में और भावमूलक चर्चा करते हैं धनी का जोश तो चर्चा करवा ही रहा है पर साथ में भाव कार्ड दिखा वहीं सब चर्चा को रूप वर्णन करें श्रीराज का सुंदर रूप अनुप राज्य के सुंदर अनुपम शोभा का वर्णन करके भी वो बताते हैं तो ऐसी चर्चा करते हैं कि बीच में किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है कभी वह ब्रज की लीला का वर्णन करके दिखाते हैं सुंदर साथ को वहाँ ब्रज की लीला का अनुभव होता है रास की लीला का वर्णन करके दिखाते हैं सुनाते हैं तो रास लीला की रामतों का अनुभव होता है कभी उनको बांसुरी बजते हुए अनुभव होता है इस तरह से हर चर्चा में सुंदर साथ को किसी न किसी प्रकार का अनुभव होता है श्री देवचंद्र जी के हृदय में सुंदर साथ को बुलाने का सुंदर साथ को जगाने का एक अलग ही स्तर का उमंग है क्या कह रहे हैं अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंगमो ये प्रसंग हम सब सुंदर साथ के लिए एक शिक्षा है एक सिखापन है कि श्री देवचंद्र जी के अंदर राज्य विराजमान है और उनके हृदय में एक भी नया व्यक्ति आता है एक भी नया सुंदर साथ आता है तो ऐसा उमंग होता है कि वह अंदर समाता नहीं इतनी प्रसन्नता उनको होती है अब साथ में चूंकि आज का जो प्रसंग है वह दोनों स्वरूपों के मिलाप का है कि श्री देवचंद्र जी जिनके माध्यम से चौथे दिन की जागनी की लीला हो रही थी श्यामा जी का पहला तन पहला जामा और दूसरा तन राज जी उन तक कैसे पहुंची है यह बात उसके लिए पहले मिहिर जी के परिवार के विषय में भी जानना जरूरी है मिहिर जी के पांच भाई हैं राज जी के साथ में और दो चचेरे भाइयों का भी यहाँ पर वर्णन आता है पिताजी का नाम केशव ठाकुर है माताजी का नाम धनबाई और मिहिर राज जी का विवाह हुआ था सबसे पहले फूलबाई जी के साथ में और बाद में फूलबाई जी का देह त्याग होने के पश्चात काफी लंबे समय के पश्चात फिर तेज जी के साथ में विवाह होता है आत्मिक दृष्टि से देखें तो गोवर्धन जी सर्वोपरि थे सर्वोपरि का मतलब पांचों भाइयों में सबसे बड़े आत्मिक दृष्टि से क्योंकि उन्होंने सबसे पहले श्री देवचंद्र जी की पहचान की थी अन्यथा उनसे बड़े भी दो भाई और थे तो उन भाइयों का नाम लेते हुए पहले तो गोवर्धन जी का के विषय में कहते हैं कि वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम गोवर्धन जी के अंदर की आत्मा को श्री देवचंद्र जी ने गुणवंती बाई कहकर पहचाना था और उनके अलावा उद्धव जी हैं सबसे छोटे भाई चचेरे भाइयों में गोविंद जी हैं और चतुर्भुज हैं चतुर्भुज की पत्नी का नाम पद्मा है ये सभी तारतम ज्ञान ग्रहण करके श्रीदेव चंद्र जी के चरणों में आते हैं और देव राज जी के जो भाई हैं सांवल्या ठाकुर ये बाद में तारतम्य लेते हैं कब सुंदर साथ में कब शामिल होते हैं जब हफ् के जेल में राज जी होते हैं वहाँ जब वो विरह करते हैं मिहरराज जी के विरह के पश्चात युगल स्वरूप का जब उन्हें साक्षात्कार होता है उस समय के प्रसंग में कहा गया है कि पत्थर काले ढिग हुते सो भी हुए टुक टुक सांवल्य ठाकुर को काला पत्थर कहा है काला पत्थर इसीलिए कहा गया है जैसे जो काला पत्थर होता है ना वो जब धूप कितनी भी तेज पड़े एक तो सुंदर भी नहीं दिखता दूसरा गर्म हो जाता है कठोर होता है तो ऐसा पत्थर भी ऐसा पत्थर हृदय भी मेरे विरह को देख करके के द्रवित तो हो गया इस तरह से उन्होंने इंद्रावती जी ने विरह किया था तो वहाँ उसके बाद वो सुंदर साथ में शामिल हुए राज्य पर ईमान लेकर के आए विश्वास लेकर के आए ऐसे बहुत बड़ा परिवार है मिहिर राज जी के परिवार के विषय में जो वर्णन कर रहे हैं बहुत ही बड़ा परिवार है मैं सबका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्या करें और साथ बहुत हैं गांव शहर और और मैं थोड़े नाम लिखे इनो कहे जाएंगे और ठोर मैंने थोड़े ही सुंदर साथ का नाम यहाँ पर लिखा है आगे आने वाले प्रसंगों में कहीं कहीं सुंदर साथ का नाम है अष्ट प्रहर की सेवा में बहुत सारे सुंदर साथ का नाम आता है तो मैं प्रसंग के हिसाब से कहता जाऊंगा ऐसा श्री लालदास जी कह रहे हैं कि महामती कहे ए साथ जी इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी बखत रोज कयामत इन सब सुंदर साथ की महिमा कयामत तक गाई जाएगी क़यामत के समय में भी इनकी सिफत इनकी महिमा होगी अब अगला जो प्रकरण है वह है कुरान पुराण की साक्षी इस प्रकरण में इस प्रकरण का मैं सार बताते हुए आगे चलता हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथ में और कते परंपरा में किस तरह से श्री देवचंद्र जी के विषय में श्री जी साहब के विषय में और ब्रह्म सृष्टियों के विषय में साक्षियाँ दी है उसका वर्णन है श्री लालदास जी कहते हैं कि कुरान का जो बारहवा सिपारा है और उस समय जो उपलब्ध था ग्रंथ उसके चौबीसवें पाने में और तफसीर तफसीर कहते हैं टीका को हुसैनी ने जो टीका की थी उस तफसीर के 301 सौ पृष्ठ पर तुम देखना उसमें श्री देवचंद्र जी का प्रसंग है उसमें राज जी का प्रसंग है और उसमें ब्रह्म सृष्टियों का भी प्रसंग है और इसी तरह से कागद जो भागवत का ले आया सुक इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोलें जान अपने भागवत में भी ब्रह्म सृष्टियों का वर्णन है भागवत में देवचंद्र जी और मिहिर राज जी का वर्णन है देवापी संतनूर भ्राता मरुच्वाकुवंश वंशज इत्यादि श्लोक के आधार पर जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं तो कुरान में भी चौथे पांचवें और छठे दिन की लीला में 120 वर्ष तक ईसारू अल्लाह इमाम मेहदी और मोमिन दज्जाल से लड़ाई करेंगे इस तरह की बात लिखी गई है और आगे कहते हैं कि विरोध सारी विश्व का भागत इन भी तक सबको पहचान हो वहीं पहुँचे कदमोहक इस प्रकरण में साक्षियों के साथ में यह चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण है विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक सबको पहचान हो वहीं पहुंचावे कदमों हक इस संसार में सबसे बड़ा विरोध जो वर्तमान में है धन का झगड़ा तो है ही शक्ति का झगड़ा है ही पर सबसे बड़ा झगड़ा है धर्म के नाम का जबकि धर्म को तो सुख का मूल कहा जाता है धर्म को शांति का मूल कहा जाता है चाणक्य अपने अर्थशास्त्र के पहले सूत्र में लिखते हैं सुखस्य मूलम धर्म सुख का मूल धर्म है पर आज जो भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़ा है वह सांप्रदायिक हो ही जाता है और कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति हो वह आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता क्योंकि कहीं कही ना कहीं सांप्रदायिक बेडियां उसको इस कदर जकड़े रखती है कि उसके आगे बढ़ने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है रुक जाता है निजानंद दर्शन एक ऐसा दर्शन एक ऐसा सिद्धांत है कि इसमें सबके विरोध को समाप्त करने की शक्ति है यह बीतक जिसका वर्णन किया जा रहा है इस ग्रंथ में तो विशेष रूप से केवल चौथे और पांचवें दिन की लीला का ही तो वर्णन है छठे दिन का तो इसमें वर्णन है ही नहीं पांचवें दिन ही यह अभी तक लिखी गई समझ लीजिए या छठे दिन के प्रारंभ में पर उ, उस छठे दिन में क्या हुआ है या क्या होना है ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्योंकि छठा दिन अभी चल रहा है चौपाई कह रही है विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक इस बीतक के द्वारा इस संसार का सारा विरोध समाप्त हो जाएगा पर कैसे कौन विरोध को समाप्त करेगा ये ग्रंथ तो जड़ रूप में है कागज में स्याही के द्वारा छपा हुआ जो ग्रंथ है बीतक के रूप में वह तो विरोध को समाप्त नहीं करने वाला है उसका आधार लेकर छठे दिन में ब्रह्म सृष्टियों का ब्रह्म मुनियों का मोमिनों का दावा करने वाले जो सुंदर साथ हैं वे यदि अपना अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तभी विरोध समाप्त हो पाएगा जब हम निजानंद दर्शन के ज्ञान के आधार पर वाणी बीतक के आधार पर दुनिया को यह बताएंगे कि चाहे कोई परमात्मा कहे चाहे कोई ईश्वर कहे चाहे कोई अल्लाह कहे या गॉड कहे या द सुप्रीम पावर कहे भले ही शब्द अलग अलग हों पर भाव एक ही है परमात्मा एक ही है केवल भाषा के भेद के कारण वेशभूषा के भेद के कारण भौगोलिक परिस्थितियों से कुछ जो कर्मकांडों की शुरुआत हुई है कुछ विशेष प्रकार के रहन सहन की शुरुआत हुई है उस रहन सहन के कारण ही सबसे बड़ा विवाद है ऐसा जब हम स्पष्ट कर पाएंगे तो इस संसार का विरोध समाप्त होगा पर इसके लिए हम सभी सुंदर साथ को एक लक्ष्य के तहत एक मिशन के तहत योजनाबद्ध रूप से कार्य करना होगा योजनाबद्ध रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई बड़े से बड़ा युद्ध हो एक तरफ लाखों की फौज हो जो कि अनियंत्रित हो और नियोजित ना हो और दूसरे तरफ यदि बीस हजार भी सैनिक हैं लेकिन सुनियोजित ढंग से किसी सही नेतृत्व सही नेता के नेतृत्व में सेनापति के सेनापतित्व में युद्ध करती है तो वह बीस हज़ार की फौज भी लाखों अनुशासनहीन हथियारबंद लोगों के झुंड से बेहतर युद्ध कर सकती है इसलिए मैं योजना की बात कर रहा हूँ जैसे हमारे समाज में 40 लाख सुंदर साथ की संख्या बताई जाती है आज से सत्रह अठारह वर्ष पहले भी मैंने चालीस लाख ही सुना था आज भी चालीस लाख ही सुन रहा हूँ कुछ तो गिनती बड़ी होगी खैर पर चालीस हजार भी मान लें एक योजना इस तरह की लाई जाए कि एक प्रत्येक सुंदर साथ दिन का एक रुपया ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए लगाएगा एक निश्चित स्थान पर एकजुट रूप से एकमुस्त रूप से तो दिन का 40 लाख रुपया इकट्ठा होता है और महीने का कितना होगा 12 करोड़ रुपए और साल भर का एक करोड़ रुपए इस धन को यदि हम सुनियोजित रूप से मीडिया टेलीविज़न साहित्य और विभिन्न प्रकार के मंचीय कार्यक्रमों में और साथ ही साथ समाज के विभिन्न प्रकार की सेवा के कार्य में लगाएं तो ये तो एक वर्ष का हुआ ना एक करोड़ रुपए दस वर्ष में कितना आगे चला जाएगा क्योंकि एक वर्ष के अंदर अंदर ही 40 लाख की संख्या भी तो बढ़ेगी तो इस तरह से यह सेवा हम हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं पर यह एक योजना है हम वर्षों से भी तक सुनते आ रहे हैं विरोध सारी विश्व का भागत इन भी तक सुनते आ रहे हैं अभी तो हमारे अपने अंदर का विरोध ही समाप्त नहीं हुआ है तो विश्व का विरोध समाप्त करना बहुत दूर की बात है पर यदि हम अपने अपने स्तर पर सजग होकर के सावधान होकर के राज्य के प्रति समर्पित होकर के सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ें तो यह कार्य अवश्य ही सफल हो सकता है इस तरह से जब ऐसी अवस्था होगी तो कह रहे हैं मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक जब तारतम ज्ञान हर तरफ पहुंचेगा तो पूरब पश्चिम हर तरफ से लोग दौड़े दौड़े आएंगे पूरब पश्चिम से दौड़े दौड़े आने का क्या तात्पर्य है यहाँ पूरब दिशा और पश्चिम दिशा की बात नहीं हो रही है हमारे भारतीय दर्शन को भारतीय जो सनातन मत है जिसको हम हिंदू मत कहते हैं उसको पूर्वीय दर्शन कहा जाता है और कत परंपरा में ईसाई मुस्लिम यहूदी इत्यादि को पश्चिमी दर्शन कहा जाता है पाश्चात्य दर्शन तो इन दोनों दर्शनों को मानने वाले लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो धर्म का विरोध छोड़ करके एक शाश्वत सत्य की पहचान करने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे जिनके मन में जैसा मनोरथ जैसी मन की इच्छा होगी वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी अब अगला जो प्रकरण है वह है दोनों स्वरूपों का मिलाप उसकी भूमिका बनाते हुए श्री लालदास जी कह रहे हैं श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग तिनकी की चर्चा सुनते मावत नहीं ही उमंग अमल का अर्थ प्रसंग के हिसाब से अलग अलग होता है अमल नशे को भी कहा जाता है अमल का मतलब सानिध्य भी होता है और अमल का मतलब समय भी होता है उनके समय में ऐसा देवचंद्र जी के अमल में तो देवचंद्र जी के सानिध्य में सुंदर सात को बहुत ही आनंद हुआ उनकी चर्चा सुनने में गांगजी भाई नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं गांगजी भाई से वहीं उत्सव रसोई नित्य नई नई भातों से वही हुआ अंग में उमंगित उनके हृदय में अत्यंत उमंग है यह भाव है कि सुंदर सात के लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि उन्हें घर जाने की चिंता ही ना हो भोजन की व्यवस्था यही हो सामान्य रूप में कि आज की तरह इतना ज्यादा मोह नहीं था तभी तो पांच हजार की संख्या श्री जी के साथ घर बार छोड़ करके पन्ना जी पहुंची है ना, आज तो यदि इस तरह से जागनी की यात्रा निकल पड़े अभी जनपीठ से निकली थी पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में सौ दिन की जागी जागनी यात्रा निकली थी पर किसी को ये बंधन किसी को वो बंधन और बहुत सारे सुंदर साथ तो इस तरह से भी आए वहाँ पर जागनी यात्रा में कि चलो चर्चा भी सुन रहे हैं पर हम घूमे नहीं हैं कभी तो घूम भी लेते हैं जागनी के लिए मिशन के लिए समर्पित होकर के आज के समय में निकल पाना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य है वर्तमान में देखिए त्याग की परिभाषा अलग अलग होती है केवल घर बार छोड़ना ही त्याग नहीं है देश काल प्रसंग परिस्थिति के हिसाब से हर त्याग का अपना महत्व होता है आज से 400 वर्ष पहले घर बार छोड़ना थोड़ा सरल होता था पर आज पहली बात तो छोड़ने की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है फिर भी यदि आवश्यकता पड़ जाए तो हम छोड़ने के लिए कितने तैयार हैं तो ये एक बंधन है उस समय मोह का इतना बंधन नहीं था तो सामान्य रूप से भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो जाए और सर्दी गर्मी वर्षा से बचने के लिए शरीर टिकाने के लिए कोई जगह कोई स्थान मिल जाए इतना काफी हुआ करता था आज ऐसा नहीं है आज तो परिवार में भले ही चार सदस्य होंगे पर कम से कम तीन मंजिला मकान बनाना चाहेंगे बना करके भले ही दूसरे को दे दें किराए पर दे दें या खाली पड़ा रहे अनावश्यक संग्रह की आदत है अब गांगजी भाई जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि केवल लोग यहाँ आए तो केवल चर्चा के लिए मन में इच्छा हो भोजन जो जरूरत है जो आवश्यकता है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी तो सुंदर साथ दिन रात केवल चर्चा ही चर्चा सुनते रहें श्रीदेव चंद्र जी चर्चा करेंगे सुंदर साथ यहीं पर भोजन करेंगे यहीं पर चर्चा सुनेंगे वापस माया में जाने की आवश्यकता न पड़े ये भावना है गांगजी भाई जी की इसलिए प्रतिदिन उनके घर में सब सुंदर साथ के लिए भंडारा लगा करता है उत्सव रसोई हुआ करता है और कोई भी नया व्यक्ति आता है ये प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या कह रही है कोई नया जो आ वहीं बीच इन निजधाम तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही सो केता कहो स्थाम में से ऐसा कौन होगा जो राज्य को खुश करना नहीं चाहता होगा सब चाहते हैं कि राज्य हमसे खुश हो लेकिन राज्य को खुश करना हो तो सबसे आसान उपाय यहां पर बताया गया है कि किसी भी नए सुंदर साथ को राज्य तक पहुंचाया जाए राज्य से जोड़ा जाए तो वह सबसे ज्यादा खुश होते हैं हम स्वयं को भी राज्य तक पहुंचाएं और दूसरी सुंदर साथ को भी उन तक पहुंचाएं तो सबसे बड़ी खुशी होती है और सेवा का तात्पर्य यही है कि किसी सुंदर साथ को राज्य तक पहुँचाने के लिए किया गया प्रयास यही सेवा है इसके अलावा और कौन सी सेवा है बताइए हम भोजन कराते हैं भोजन की सेवा देते हैं इसका भी कारण यही है जैसे गांगजी भाई जी सेवा करते थे उसी तरह से वही कारण है यहां पर भी इसके अलावा हम कोई भी कार्य कर रहे हैं चाहे मान लीजिए कि साहित्य छाप रहे हैं YouTube पर वीडियोज डाल रहे हैं विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं इन सब का कारण क्या है कि सुंदर साथ की जागनी हो तो राज्य को खुश करने का सबसे सरल उपाय यही है यदि हम भी चाहते हैं कि राज्य हमसे प्रसन्न हो तो सभी को अपने अपने स्तर से ऐसे कार्य करना होगा कि कोई एक व्यक्ति ही सही कोई एक आत्मा ही सही पर राज्य से जुड़े जैसे गांगजी भाई हैं गांगजी भाई क्या चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ जैसे मुझे वाणी मिली है जैसे मुझे परमधाम का ज्ञान मिला है वैसे ही औरों को भी मिले आज सोचिए ना सावन का महीना चल रहा है ये सावन के महीने में बहुत सारे लोग हैं एक महिला के विषय में अभी परसों ही आया था समाचार में कि उसने उसको डाक बम कहा जाता है जैसे बोल बम बोलते हुए चलते हैं ना यहाँ बम मतलब वो विस्फोट वाला नहीं है डाक बम का मतलब चौबीस घंटे के अंदर अंदर जो 108 किलोमीटर की यात्रा पार करे जल लेकर के उसको डाक बम कहा जाता है पैदल दौड़ करके दौड़ते हुए तेजी से चलते हुए 24 घंटे में 108 किलोमीटर बहुत होता है हम 8 किलोमीटर चले तब हम थक जाते हैं तो 108 किलोमीटर की यात्रा और ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं परसों रात को लगभग पौने एक बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो यहाँ पर लोग भाग रहे थे सड़क पर जोर जोर से आवाज करते हुए सभी कांवड़िए थे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 20 25 25 लीटर पानी का बर्तन लेकर के भरा हुआ बर्तन लेकर के अपने अपने गांव आ रहे होते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रकार का नशा करके आस्था को बदनाम करते हैं पर फिर भी बहुत सारे लोग तो ज्ञान नहीं है पर आस्था के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उनके पास वाणी नहीं है अच्छा किसी के पास वाणी नहीं है और वह गलत दिशा में गलत गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें दोष उसका है या फिर हम लोगों का कि हमारे पास वाणी होते हुए भी ऐसे लोगों को मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं हमारे पास तो वाणी है यदि हमारे पास वाणी न होती तो क्या पता हम भी उसी लाइन में खड़े होते किसी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते किसी सालीग्राम को पूज रहे होते किसी पीपल पर धागा बांध रहे होते किसी तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा रहे होते कहीं गणपति विसर्जन कर रहे होते या फिर पैदल मन मनसा देवी की यात्रा कर रहे होते कैलाश मानसरोवर अमरनाथ की यात्रा कर रहे होते वाणी ना होती तो कहीं ना कहीं हम भी उसी लाइन पे होते ना एक बार के लिए हम स्वयं अपने को उनके स्थान पर रख कर देखें तो हमें पता चलेगा हमें उन पर तरस आएगी और स्वयं को भी ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं उन्हें ज्ञान देना किसका कर्तव्य है क्या पता हम उनको किस रूप में देख रहे हैं कि ये तो प्रवाही हैं इनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है कहीं ना कहीं उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं हीन भावना से देखते हैं पर वास्तविकता ये है कि क्या यदि उनमें एक भी ब्रह्म सृष्टि हो तो हम कहते हैं ना न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो है? तो कोई भी हो सकती है और कोई ब्रह्म सृष्टि हो हमारी जानकारी में रहते हुए वह विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर करती फिर तो उसका दोषी कौन है इसलिए हम सबको भी गांगजी भाई जी की तरह यह भाव हृदय में लाना होगा कि सभी हमारे जैसे ही हैं हमें वाणी न मिलती तो हम भी वैसे होते और उन्हें वाणी मिलेगी तो वह भी हमारे जैसे हो जाएंगे एक श्री जी की पहचान करने वाले एक उनसे प्रेम करने वाले हो जाएंगे तो इस इसलिए हमें जागनी के लिए अपना अपने अपने तरफ से अपने अपने स्तर से योगदान देना चाहिए यह शिक्षा गांगजी भाई जी की सेवा भावना से हमें मिलती है अब क्या कह रहे हैं श्री देवचंद्र जी कि कोई नए साथी को लिया वहीं समझाए के दिन में तीन ऊपर राजी हो वहीं क्या नेकी करूं इनसे देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि कोई भी यदि एक नए व्यक्ति को समझा बुझा करके सुंदर साथ में लेके आता है तो देवचंद्र जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मैं इनका क्या भला करूं, मैं इनका क्या उपकार करूं, ऐसी उनके मन में इच्छा होती है ऐसी भावना होती है तो हम समझ पा रहे हैं मुझे लगता है कि राज्य को खुश करना है तो क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है अब कह रहे हैं इन भोम में देखिया साथ धनी श्रीधाम कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम देवचंद्र जी के मन में यह भाव है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में इस भूम मतलब इस संसार में ही जितने भी ब्रह्म सृष्टि उन सब के हृदय में राज्य हैं और इनको जगाने का कार्य मुझे राज्य ने सौंपा है तो इनको मैं किस तरह से जगाऊं और कैसे इनकी मनोकामना को पूरी करूं इनको राजे भेजिया देम धाम ने इनको मेरे पास इसलिए भेजा कि मैं इन्हें परम धाम का खजाना दे सकूं, परम धाम की न्यामतें दे सकूं। ये तो परम धाम से आए श्री धाम से आए खेल माया का देखन इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन सुंदर सात को तो कुछ पता ही नहीं है वाणी क्या कहती है आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन सुध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन कि जो कुछ भी हमें खुलासा हो अर्थात जो भी हमें बात समझ में आए हमारा कर्तव्य है सुंदर साथ को कहना क्योंकि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है पर जानकारी ना हो तो क्या हुआ हमें तो पता है ना इस संसार में जैसे एक माँ है और उनका बच्चा उनसे यदि बिछुड़ जाता है मेले में कहीं और बच्चे को पता ही नहीं बिल्कुल छोटा है मान लीजिए छः महीने का बच्चा है उस बच्चे को पता ही नहीं वो तो एक दो दिन जिसके साथ रहेगा उस अवस्था में वो तो उसी को अपना मान लेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है पर क्या माँ छोड़ देगी ये सोच करके कि ये तो किसी के साथ भी जा सकता है किसी के साथ भी जाके ये तो खुश हो जाएगा ऐसा सोच करके माँ छोड़ देगी क्या वो तो अपने पास लेके आना चाहेगी तो ब्रह्म सृष्टियों के साथ में हमारा संबंध एक माँ और बच्चे के संबंध से भी अनंत गुना प्रेम का संबंध है तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए इसीलिए क्या कह हैं? इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन ए पड़े माया मिने हो गए पर वश सुंदर सात तो माया में पड़ गए हैं माया में चले गए हैं और ये दूसरे के वश में हुए हैं पर वश का अर्थ है दूसरे के वश में होना दूसरे का वश मतलब किसके वश में माया के वश में अज्ञानता के कारण नींद के कारण भ्रम के कारण संशय के कारण ये वश में पड़े हुए हैं अब मेरा कर्तव्य है इनको ढूंढ ढूंढ़ करके बाहर निकलने का क्योंकि मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ मुझे धाम धनी ने इनका हाथ पकड़ाया है हाथ पकड़ाने का मतलब क्या होता है जैसे विवाह में भी क्या किया जाता है विवाह के संस्कार को हमारे यहां पाणी ग्रहण बोला जाता है है ना अब अपभ्रंश होकर के पाणी ग्रहण पानी ग्रहण बन गया है और पाणी का अर्थ हाथ है यह भी कई लोगों को नहीं पता पाणी का अर्थ हाथ होता है और हाथ को ग्रहण करने का तात्पर्य है कि आज से मैं इनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं हाथ पकड़ने का यह तात्पर्य है तो देवचंद्र जी कह रहे हैं कि धाम धनी ने इनको जगाने का उत्तरदायित्व तो मुझे सौंपा है इनको जगा इनके हाथ इसलिए यह महनत, यह मेहनत परिश्रम मुझे जरूर करना है पर यह हाथ केवल देवचंद्र जी को नहीं पकड़ाया है ना तारतम लेते हुए हमने भी सुंदर सात का हाथ पकड़ने का वादा किया है ए सुख देऊ ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार ऐसा कह कर के संकल्प हमने भी किया है जैसे पाणी ग्रहण के समय में संकल्प किया जाता है वैसा एक संकल्प हमने भी किया है कि इन्हें जगाने का कार्य जो सुख मुझे मिल रहा है वह सुख इन्हें देने का कार्य मेरा भी है यदि मैं ऐसा करूं, तो मैं ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक हूं। इसीलिए देवचंद्र जी मेहनत कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ के सामने चर्चा का पूर चला रहे हैं पूरा अर्थात प्रवाह चल रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रवाह होता है जैसे लहरें होती हैं एक के बाद एक आती रहती हैं आती रहती हैं इसी तरह से देवचंद्र जी भी प्रतिदिन दिन में एक बार नहीं बार बार चर्चा सुनाते रहते हैं रास की लीला का परमधाम की लीला का वर्णन करके सुनाते ही रहते हैं और साथ ही साथ देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजमान राज्य का जो आवेश है वह विभिन्न रूपों में आकर के सुंदर साथ को आड़ी का लीला के रूप में दर्शन देते रहता है इस तरह अब मिहिर राज जी के जो बड़े भाई हैं हरिवंश ठाकुर क्योंकि पांच भाइयों का प्रसंग चल रहा था ना हरिवंश ठाकुर हैं सांवल्या ठाकुर हैं गोवर्धन ठाकुर मिहिर राज ठाकुर और उद्धव ठाकुर तो जो सबसे बड़े भाई हैं हरिवंश ठाकुर की पत्नी का नाम है मेघबाई और मेघ की जो भतीजी हैं मेघ जी की भाई की बेटी भतीजी का नाम है अजबाई अजबाई जी का विवाह हुआ था गांगजी भाई जी के घर में उनके बेटे श्याम जी के साथ में अब देवचंद्र जी के द्वारा जो आड़ी का लीला हो रही है चमत्कारी लीला हो रही है तो अजबाई जी जब अपनी बुआ से मिलने के लिए आती हैं अर्थात मेघबाई जिसे जी से मिलने के लिए हरवंश जी के घर में मिहिर राज जी के घर में आती हैं तो वहाँ कहती हैं कि देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानगी आई राज जी की मेहर हो रही है वहाँ पर तो ऐसी ऐसी, ऐसी लीला हो रही है क्या कह रहे हैं नित देवे दीदार आरोग्य बेरतीन वस्ता मागे आरोग्य आज क्यों फीकी खारी किन कि राज जी प्रतिदिन तीन तीन बार दर्शन देते हैं सुबह दोपहर और शाम प्रतिदिन तीन तीन बार दर्शन देते हैं भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि आज तुमने नमक ज़्यादा क्यों किया है आज तुमने तो फीका क्यों कि किया इस तरह से फीडबैक भी देते हैं और इतना ही नहीं सुंदर साथ को कई तरह से मिठाई इत्यादि का प्रसाद भी देते हैं देवचंद्र जी जब यमुना जल का वर्णन करते हैं तो यमुना जी दिखाई पड़ती है एक दिन तो एक जो सखी है हीरबाई नाम की वो भोजन बनाते हुए उनका हाथ जल गया था तो उनको सोने की कसेड़ी सोने का बर्तन भी दिया कंचन की कसेड़ी दी इस तरह से अजबाई जी कहती हैं कि नित्य प्रतिदिन राज्य का वहाँ पर दर्शन हो रहा है हम तो देखते ही हैं पर मैं चाहती हूँ कि आप भी आकर के दर्शन करें अब मेघबाई जी ने सीधे जाना उचित नहीं समझा गोवर्धन जी को कहा कि गोवर्धन जी आप जा करके देखाओ क्योंकि पहली बार में तो विश्वास नहीं हुआ उनको गोवर्धन जी ने सोचा कि क्योंकि उनको भी अभी पता नहीं है तो उन्होंने अपनी पत्नी पद्मा जी को कहा कि पहले आप जाओ पद्मा जी गई जा गांग गांगजी भाई के घर में श्री देवचंद्र जी को प्रणाम किया वहाँ पर रह करके चर्चा सुनी और आड़ी का लीला का उन्होंने दर्शन किया तो घर आकर के कहते हैं कि तीन भी आए बातें करी मैं देखी लीला इत कि मैंने वहां पर जैसी लीला का वर्णन सुना था अजबाई जी के मुख से वैसी लीला देखी अब इसके बाद गोवर्धन जी गए गोवर्धन जी ने जाकर के प्रणाम किया और क्या कहते हैं मैं शरण तुम्हारे आई जगावने आत्म ने मैं अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपके शरण में आया हूं ये संबंध सोलह का महीना है सोलह के कार्तिक का महीना अब यहाँ से प्रसंग बना यहाँ से भूमिका बनी मिहिर राज जी के श्री देवचंद्र जी के चरणों में आने की पर उससे पहले एक और चमत्कारी लीला होती है एक और आड़ी का लीला होती है कि वहाँ के जो पुराने कथाकार थे देवचंद्र जी से पहले के अब जब देवचंद्र जी चर्चा कर रहे हैं तो लोग उनके यहाँ उनकी चर्चा सुनने आना शुरू करते हैं गांगजी भाई जी के घर में तो पुराने लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ ग्राहक आने बंद हो गए वही व्यक्ति किसी के लिए अध्यात्म जगत के राही हैं श्रोता हैं तो किसी के लिए ग्राहक हैं तो उन्होंने एक चुगलखोर से चुगली कर दी शिकायत कर दी बोला कोतवाल तक संदेश पहुंचा देना कि गांगजी भाई के घर में रात के समय में भी पुरुष और स्त्री इकट्ठे होकर के बैठते न जाने क्या कार्य होता है वहां पता ही नहीं अब आज 21वीं शताब्दी चल रही है आज भी लोगों की सोच इतनी विकसित नहीं हो पाई है हमारे यहाँ कि स्त्री और पुरुष एक साथ में बैठने को आज भी अनुचित समझा जाता है और इसको नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है तो ४०० साल पहले की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं और आज तो चलो व्यक्तिगत मामला है संविधान संभी, ने सबको अनुमति दे रखी है तो आज केवल पीठ पीछे बात हो सकती है पर उस समय तो जो सत्ता में बैठे थे वह भी इस चीज का विरोध करते थे इसलिए कोतवाल तक बात पहुंचाई गई कोतवाल ने जानकारी लेने के लिए पता करने पता लगाने के लिए दो सैनिकों को भेजा कि जाओ पता करके आओ अब दोनों सैनिक उस चुगलखोर के साथ गए और अब वो चुगलखोर थोड़ी देर दूर तक उन्हें लेके आता है और फिर एक दिया दिखा देता है कि वह जो दीपक जलता हुआ घर है वही घर गांगजी भाई का है और वहीं पर यह सब कुछ होता है अब आप जाओ अब वो दो सैनिक हैं उस दीपक का पीछा करते हुए चलते हैं चलते चलते उनमें से एक सैनिक बारह कोस दूर धरोल नाम के स्थान पर पहुंच जाता है और अब सुबह हुई थोड़ा उजाला हुआ दीपक तो दिखा नहीं मिला नहीं तो वहां एक स्त्री आई हुई थी पानी भरने के लिए सुबह के समय में तो उस स्त्री को पूछा कि यहाँ गांगजी भाई का घर कौन सा है तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई गांगजी भाई नहीं रहते तुम कौन से गांव से आए हो तो बोले मैं तो जामनगर से आया हूं पनिहारी ने कहा कि ये तो मोहबड़ जी का गांव है तुम बारह कोष दूर आ चुके हो अब उस सैनिक ने सोचा कि अच्छा हुआ कि मैं बच गया ये तो परमात्मा की असीम कृपा है अन्यथा रात की रात को किसी दूसरे के गांव में जाने पर बारह कोस मतलब लगभग छत्तीस किलोमीटर इतनी दूर जाने पर कोई मुझे चोर समझ करके पिटाई भी कर सकता था ये कुछ भी हो सकता था कोई चोर ही मुझे लूट सकता था तो ये तो मुझ पर कृपा है कि मैं बच गया अब सोचिए छत्तीस किलोमीटर दूर वो गया है वापस आना भी है बारह कोस वापस चल के आना है उसको और दूसरा जो सैनिक था सिपाही सुबह जब उजाला हुआ तो वो देखता है कि वो तो एक कुएं के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है दिया के पीछे पीछे सोच रहा है कि दिया के पीछे है वो पर कुएं के चारों तरफ वो घूमता जा रहा है सुबह जब जैसे ही देखा उसने उजाले हो उजाला होने पर उसने सोचा कि अरे अच्छा हुआ मैं कुएं में नहीं गिरा अब दूसरा सैनिक जब वापस पहुंचा दोनों आपस में मिले और जा करके कोतवाल से कहा कि यदि ये चुगलखोर हमें मिल जाता है तो हम इसको मार डालेंगे क्योंकि इसने तो हमें मारने की योजना बनाई थी ये तो परमात्मा की कृपा है कि हम बच गए ऐसी जगह उसने बताई ऐसा घर उसने बताया कि एक तो बारह को दूर पहुंच गया और दूसरा कुएं के परिक्रमा लगाता रहा इस तरह राज जी के द्वारा जो एक आड़ी का लीला चमत्कारी लीला हुई ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसी ली लीलाएं हुई जिससे कि सुंदर साथ के अंदर ईमान आए विश्वास आए एक माहौल बने जागनी का इस तरह अब इसी सिलसिले में गोवर्धन जी की भी मुलाकात हुई सबसे पहले गोवर्धन जी गए जाकर के अब घर में आते हैं और राज जी के दीदार की बात करने लगते हैं तो गोवर्धन जी से जो छोटे भाई हैं मिहिर राज जी वो कहते हैं कि आप मुझे भी लेकर के चलिए तो गोवर्धन जी कहते हैं कि ये तो देवचंद्र जी की आज्ञा के बिना मुझसे होगा नहीं इस तरह से एक दिन दो दिन नहीं बार बार कहना पड़ता है फिर भी गोवर्धन जी लेकर के नहीं जाते उनके मन में है कि कहीं क्योंकि भाई छोटा है कोई आपत्ति ना कर ले अब एक दिन वो भी गोवर्धन जी के पीछे पीछे हो लिए मिहराज जी और भागते गए भागते गए साथ साथ में ही रोते रोते जा रहे हैं कि मुझे भी लेकर के चलो जिद करके चले गए गांगजी भाई जी के घर के बाहर पहुंच करके उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम बाहर रुको मैं अंदर जाकर आज्ञा लेकर के अनुमति लेकर के आता हूं और फिर आपको अंदर लेके जाऊंगा अब अंदर आए और कहने लगे कि सदगुरु महाराज मेरा भाई है एक बारह वर्ष की अवस्था है कुल बारह वर्ष दो महीना और दस दिन की अवस्था थी मिहिर राज की तो उन्होंने कहा कि बारह वर्ष की अवस्था है इसलिए मैं उसको लेकर के नहीं आया आप बताइए क्या करना है अंदर लेके आओ कि नहीं देवचंद्र जी ने कहा कि उन्हें अंदर लेकर के आओ क्योंकि बाल्य अवस्था में कह रहे हैं कि तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने ल्याओ बुलाए श्री महराज बाल वय वस्त आवत सो होवे पूरन काज वय अर्थात अवस्था बाल्य अवस्था में ही हृदय में बात और अच्छे से समझ में आती है वस्तु आती है बाल मन एक कोरे कागज की तरह है उस पर आप कुछ भी बना सकते हैं कोई भी रंग रंग सकते हैं किसी भी रंग से आप लिख सकते हैं और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वह कोरा कागज विभिन्न प्रकार के रंगों से रंग जाता है अब कोई एक निश्चित रंग नहीं रंगा जा सकता है अथवा कच्ची मिट्टी के समान है उससे आप चाहें तो घड़ा बनवा लें आप चाहें तो हुक्का बनवाए घड़ा अच्छाई का प्रतीक और हुक्का जो है वो बुराई का प्रतीक आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों को बालक ही है राक्षसी परिवार में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद जैसा बालक क्योंकि बाल्यकाल से ही संस्कार मिले ऋषियों के आश्रम में पले बड़े होने के कारण वह भक्तराज कहलाए और वह बालक ही है रावण जैसा कि वह ऋषि के परिवार में उत्पन्न होने पर भी राक्षसी माता के संपर्क से उनके सानिध्य से वह राक्षस कहलाया तो ये बाल्यावस्था में आप कुछ भी कैसा भी बना सकते हैं और फिर देवचंद्र जी कहते हैं ध्रुव को चरण भगवान के भय पाँच बरस प्राप्त तिस वास्ते श्री महराज को आवन देव तुम्हें तो देखो ध्रुव को भी तो पाँच वर्ष की अवस्था में विष्णु भगवान के चरण प्राप्त हो गए थे इसीलिए तुम ले करके आओ सुंदर साथ को भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं पढ़ाएं अच्छी बात है आजकल तो सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराना चाहता सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं भले ही नौकरी सरकारी चाहिए पर स्कूल प्राइवेट चाहिए ये थोड़ी विडंबना है हमारे यहाँ तो प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो धार्मिक संस्कार उनके पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाते हैं आजकल तो फिर भी थोड़ी आध्यात्मिक चेतना आ रही है थोड़ी थोड़ी पर आज से पाँच सात साल पहले तक तो हालत ऐसी थी कि स्कूल में किसी भी बच्चे को यदि चंदन करके जाना हो नहीं उसको अनुमति नहीं है कोई गुड मॉर्निंग के अलावा कुछ नहीं बोल सकते आप प्रणाम नहीं कह सकते कोई राम राम नहीं कह सकते जय श्री कृष्ण नहीं कह सकते मतलब कोई भी जो धार्मिक शब्दों या सांप्रदायिक शब्दों ऐसे शब्दों को नहीं बोल सकते और यही स्कूल हैं जो फिर प्रेयर के नाम पर बाइबल की बातें सिखाया करते हैं लेकिन हम यदि अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार देंगे अपने धर्म के विषय में बताएंगे तो बड़े होने पर भी वह संस्कार नहीं भूलेंगे आपने देखा होगा आज वर्तमान में एक विडंबना है ये प्रसंग चल रहा है मैं इसलिए बता रहा हूं बीतक से बाहर का है फिर भी आपको पता है कि जितने भी वृद्धाश्रम हैं उन वृद्धाश्रमों में जितने भी वयोवृद्ध लोग रह रहे हैं उन सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं कोई भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम ले जाके छोड़ेगा क्योंकि लोगों ने किताबें तो पढ़ ली पर संस्कार नहीं पढ़े और जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी लेकिन प्रसंग परिस्थिति ने उनको ऐसे संस्कार सिखा दिए तो कोई भी गरीब के माता पिता नहीं होंगे कोई अनपढ़ के माता पिता नहीं होंगे सभी कोई कहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर है फलाने देश में है कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियर है और इस कंपनी में जॉब करता है इन सब के पीछे मूल कारण ही यही है कि माता पिता ने कहीं न कहीं उन बच्चों को आगे बढ़ाने के होड़ में संस्कार देना छोड़ दिया वो आगे तो बढ़ गए पर इतना आगे बढ़ गए कि माता पिता भी छूट गए और माता पिता के जो पैतृक संस्कार थे पारिवारिक संस्कार थे वह भी छूट गए यदि कोई व्यक्ति बाल्यकाल से ही धार्मिक संस्कार लेता है सीखता है या हम उसे सिखाते हैं तो कोई भी बच्चा अनैतिक नहीं होगा आज यदि हम क्योंकि जो अध्यात्म है वह किसी भी व्यक्ति का आत्मिक ही नहीं अपितु बौद्धिक मानसिक और सामाजिक भी विकास करता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही राष्ट्र के लिए भी एक अच्छा नागरिक हो सकता है इसलिए हमें अपने बच्चों को भी धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार देना चाहिए अब मिहिर राज जी बारह वर्ष दो महीना और दस दिन की अवस्था में विक्रम संबद सोलह के मार्गशीष महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवचंद्र जी से सबसे पहले मिले बारह वर्ष दो महीना और चार दिन की अवस्था में उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई थी और उसके छह दिन के बाद में देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचे क्या कह रहे हैं आए के चरणों लगे तब ही दई निध तत्खिन हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्ध जैसे ही आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रणाम करते ही सारी जागृत बुद्धि आ गई ये प्रसंग बता रहे हैं कि इस प्रसंग में देवचंद्र जी के चरणों में आने के बाद उनके अंदर जागृत बुद्धि आई उनके अंदर परमधाम की निधि परम धाम का खजाना आ गया और धीरे धीरे प्रसंग से अब आगे आने वाले दिनों में जब जब भी मिलते रहे देवचंद्र जी राज जी को भविष्य की योजनाओं के विषय में बताने लगे कि जागनी कैसे करनी है मेरे तन के उझल होने के बाद जी तुम्हारे ही तन में बैठ करके के लीला करेंगे और सभी ब्रह्म सृष्टियों को जगाने का कार्य तुम्हारा ही होगा और उनमें भी सबसे मुख्य रूप से ध्यान देना है सकुंडल और शकुमार को जगाने पर क्योंकि उनके द्वारा आगे छठे दिन की लीला में सबसे ज़्यादा जागनी होनी है कहते हैं साकुंडल शकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात मूल स्वरूप उनके हसत है वो खेल में है अपनी जात सकुंडल और सकुमार ये दो तन किसी विशेष ऊंचे परिवार में आए हैं राज घराने में आए हैं ऐसा लगता है क्योंकि मूल स्वरूप परात्म उनकी मुस्कुरा रही है परम परात्म, परात्म परमधाम में जैसे एक छोटा बालक भी होता है वो भले ही बता न पाए पर यदि वो डरावना सपना देख रहा होता है तो उसकी भाव चेहरे पर झलकती है वो कोई खुशी वाला सपना देखता है तो वैसी ही भावभंगिमा झलकती है वो कोई दुख वाला सपना देख रहा है तो सपने में ही रोना शुरू करता है इसी तरह से हम भी कोई चलचित्र देख रहे होते हैं कोई पिक्चर मूवी देख रहे होते हैं यदि कोई अच्छी मूवी है हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से कुछ हो तो नहीं रहा है पर चलचित्र में ही हो रहा है पर्दे पर ही हो रहा है उसमें कुछ हास्यास्पद दृश्य देख रहे होते हैं तो हमें हंसी आती है उसमें आपका जो प्रिय होगा उस पिक्चर में से आपका जो प्रिय पात्र होगा उसके साथ यदि मारपीट होती है या कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो यहाँ आपको क्रोध आ रहा होता है आप कोई डरावना पिक्चर देख लेते हैं भूत वाली कोई मूवी देख लेते हैं आपके साथ कुछ होता तो नहीं है पर आप यहाँ डर रहे होते हैं ये तीनों भाव भंगिमाएं आपके चेहरे पर दिखाई पड़ रही होती है इसी तरह हम भी परमधाम में बैठे बैठे राज्य के हृदय रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रहे हैं और इस खेल में जैसा जैसा हम देखते हैं वहाँ के परात्म के मुखार बिंद पर उसकी भावभंगिमा दिखाई पड़ती है इसलिए अब चूंकि शकुंडल और सकुमार किसी विशेष घर में आए होंगे राज परिवार में आए हैं ऐसा हमें तब पता चला जब हमने पूरी भी तक पढ़ ली वहाँ तक के प्रसंग को पढ़ा पर जिस समय मिहरराज जी गए हैं अब उस समय तो ये तय नहीं हुआ था कि कहाँ पर आए हैं बस ढूँढ़ना है किसी बड़े परिवार में है अनुमान के आधार पर ही बताया जा रहा था कि ये राज परिवार में आए हैं राज्य को तो सब पता है उन्हें अनुमान करने की जरूरत नहीं है पर जागनी करने के लिए क्रिया तो जीव को करनी है सुंदर साथ को करनी है तो इस तरह से मूल स्वरूप के हंसने की बात की गई और श्री देवचंद्र जी ने समय समय पर मिहिर जी को जागनी के अनेक प्रकार के सिखापन दिए कि भविष्य में आपके द्वारा ऐसा ऐसा होना है और अब आगे किस तरह से राज जी और गोवर्धन जी लौकिक और अलौकिक दोनों नाते के प्रेम के साथ में संसारिक संबंध भी है भाई भाइयों वाला प्रेम भी है और साथ में परम धाम का भी प्रेम है तो दोनों प्रेम निभाते हुए किस तरह से प्रतिदिन चर्चा सुनने के लिए जाते हैं इसी बीच में उनके भाई सांवल्या ठाकुर से विवाद कैसे होता है उस विवाद को निपटारा कराने के लिए उनके पिता के द्वारा केशव ठाकुर के द्वारा कैसे मिहिर जी और गोवर्धन जी को कानजी भट्ट जो कि देवचंद्र जी के गुरु थे किसी समय में उनके पास ले जाया जाता है और इतने बड़े भागवतकार को राज जी और गोवर्धन जी जैसे बालक कुछ पाँच छः प्रश्नों के अंदर अंदर ही ऐसा उत्तर देने पर मजबूर करते हैं कि वो कहते हैं कि इनके प्रश्नों का जवाब तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है तो ये कौन से प्रश्न थे ये कैसा प्रसंग था इन सभी प्रश्नों के विषय में हम कल चर्चा सुनेंगे अभी के लिए समय पूरा होता है दो रही साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत सुनाई बात मूल स्वरूप उनके हसत है ओ खेल में है अपनी जात ओ खेल में है अपनी जात, ओ, खेल में है अपनी जात। बोलो श्री प्राणनाथ બોલો શ્રી સતગુરુ મહારાજ પ્રણામ